हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सीबीएसई क्लर्क जूनियर सीनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी में हिंदी में जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उसका ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए, एक ये हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं, ये अभी हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं, तो प्लीज़ इनको एक बार देख लेना, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको कहते हैं अंत्यज। अंत्यज उसको कहते हैं अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अन्युपाय। अनन्य योपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। पलक को बिना झपकाए अनिमेश। जो बुलाया ना गया हो अनाहूत। जो ढका हुआ हो अनावृत। जो दोहराया ना गया हो अनावृत। अनावर्त। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण अनुस्मारक। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं अंतपुर या रनिवास। जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनसक। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अव्ययी या अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। और जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अप्रहत। न जोता गया खेत अप्रहत। ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखना। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी। आदेश की अवहेलना अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसका कभी अंत न हो अनंत। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त। जो कभी नष्ट न होने वाला हो अनश्वर। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र अकिंचन। जो कभी मरता न हो अमर। जो सुना हुआ न हो अश्रव्य। जिसको भेदा ना जा सके अभेद। जो साधा ना जा सके असाध्य। जो चीज़ इस संसार में न हो अलौकिक। जो बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोक अलोकज्ञ। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय। जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो या जिसका प्रारंभ का पता न हो अनादि। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण।
सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जातीय, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम, जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय, जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, जो बहुत गहरा हो, अगाध, जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य, जिसको काटा ना जा सके, अकाट्य, जिसको त्यागा ना जा सके, अत्याज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य, अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनन्य, जो बिना अंतर के घटित हो, अनंतर, जिसका कोई घर न हो, अनिकेत, कनिष्ठा, सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका, मूल कथा में आने वाला प्रसंग, लघु कथा, अंत कथा, जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य, जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, अनिरुद्ध, अविरोधी, जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, अनुरक्त, जो कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जो कभी न आया हो, अनागत, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, न हो, अनार्य, जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, जो सामने न हो, अप्रत्यक्ष, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय, किसी काम के बराबर बार बार करने के अनुभव वाला, या किसी काम को बार बार करने के अनुभव वाला, अभ्यस्त, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला, अभिप्सा। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे 50 वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इनको प्लीज़ देख लेना, याद रखना, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।